जी अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि कामयाबी के लिए सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। ये बुज़ुर्गों की मिसाल थी कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो ये बात है कि आज मुझे फैसलाबाद जाना है तो मैंने गाड़ी के बजाय डेवो पर जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको अपने उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको जो है वो अपने घर से निकलना पड़ेगा, आपको बस के अड्डे पे जाना पड़ेगा, आपको टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट के पैसे देने पड़ेंगे, फिर आप जिस जगह जा रहे होंगे उस जगह पर जाने के बाद फिर आपको जो है ना वहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल देखना होगा, उस हॉस्टल का किराया देखना होगा, फिर आप जाके पढ़ेंगे। हम लोगों के लिए ये बात बड़ी अजीब है, लेकिन जो लोग बाहर के मुल्क रहते हैं या जो बच्चे ट्रैवल करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटी में जा के पढ़ते हैं, उनके लिए ये एक आम सी बात हो जाती है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने एक्टर्स लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग भी जो है ना वो बाहर निकलना सीखें, ट्रैवल करना सीखें, ठीक है। ये अभी लाहौर का न्याजी अड्डा है, न्याजी एक्सप्रेस है। तो इंशाल्लाह आज मुलाकात होती फैसलाबाद में। थैंक यू।